वाट इज प्रोलीटेरिएट क्लास? प्रोलीटेरिएट क्लास जो है ये वर्किंग क्लास। कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया कि क्लास क्या है। सोसाइटी में दो टाइप की क्लास हैं, एक कैपिटल क्लास है, दूसरी वर्किंग क्लास है। तो प्रोलीटेरिएट जो है वर्किंग क्लास है, मतलब इसके पास पैसा नहीं है, बस ये लेबर है, मतलब ये काम करते हैं, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन नहीं करते, मतलब ये फैक्ट्री के मालिक नहीं है, फैक्ट्री के वर्कर हैं। तो प्रोलीटेरिएट क्लास इज ए वर्किंग क्लास इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये वर्किंग क्लास है, मतलब जो काम करते हैं वो हैव नो कैपिटल टू ऑफर फॉर सेल एक्सेप्ट देयर ओन लेबर, मतलब इनके ये मजदूरी करते हैं डेली, उस तरह से काम करते हैं, मतलब ये काम कर सकते हैं, इनके पास कुछ और नहीं है बेचने के लिए। ये फेस करते हैं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि काम ज़्यादा ले लिया, पैसा कम दिया, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूअर वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रिसेशन। अगर रिसेशन है तो इन्हें निकाला भी जा सकता है, और वेज जितना ये काम करते हैं उस हिसाब से इन्हें पैसे भी नहीं मिलते, तो इनका मतलब इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स, सामान बनाने का काम यही करते क्योंकि यही वर्किंग क्लास है, मतलब काम करने वाले लोग यही हैं। एंड सर्विसेज बट डू नॉट रिटेन ओनरशिप ऑफ द व्हाट दे प्रोड्यूस। ये प्रोड्यूसर हैं सामान के, बट ये मालिक नहीं है उस सामान के। तो ये है प्रोलीटेरिएट क्लास। प्रोलीटेरिएट क्लास जो मतलब फैक्ट्रीज में काम करते थे, कार्ल मार्क्स ने उन्हें कहा प्रोलीटेरिएट क्लास। प्रोलीटेरिएट क्लास इज एक्सप्लॉयटेड बाय द बोर्जुआसी एंड जनरली अर्न ए मिनिमम वेज एंड लिव इन पॉवर्टी, मतलब ये दिन भर तो काम करते हैं, इनकी वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर सब ज़्यादा है, सब बेकार है, उसके बाद भी इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो भी है वो भी गरीबी में गुजरता है, कुछ ऐसा इनके पास होता भी नहीं है। तो ये एक्सप्लॉयटेड की जाती है क्लास, मतलब काम ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इन्हें कुछ खास मिलता नहीं है। जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसमें कुछ खास इन्हें मिलता नहीं है।